हेलो, आई एम डॉक्टर वरुण वासेल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्या आप भी इसी तरह कंफ्यूज होते हैं जब आपके चोट लगती है कि हम आइसिंग करें या हीटिंग करें। आज मैं इस वीडियो में आपको यही क्लियर करूंगा कि किस टाइम पर आइसिंग करनी चाहिए और किस टाइम पर हीटिंग करनी चाहिए। जब भी हमें चोट लगती है या हमें कोई इंजरी होती है तो भगवान ने एक बड़ा ही अच्छा सिस्टम बनाया है हमारी हीलिंग का, जिसमें इन्फ्लामेशन कॉज होती है। वो इन्फ्लामेशन हीलिंग का एक पार्ट है, पर हमें पेनफुल भी होती है। उस पेन को रोकने के लिए हम आइसिंग यूज़ करते हैं। इसीलिए चोट लगने के या इंजरी के 48 आवर्स तक हम आइसिंग यूज़ करते हैं। आइसिंग और हीटिंग करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि वो इंजरी एक्यूट है या क्रॉनिक है। अगर हमें कोई चीज़ हिट करती है या हम गिरते हैं या मसल पुल होता है तो वो एक्यूट इंजरी में आएगा। उस एक्यूट इंजरी में जब इन्फ्लामेशन होती है, रेडनेस, स्वेलिंग या हीट निकलती है, क्योंकि वहाँ पे इंजरी वाले पार्ट पे ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है, उसको कम करने के लिए या उस पेन को कम करने के लिए हम आइसिंग यूज़ करते हैं। ऐसे ही क्रॉनिक इंजरी में आता है, जैसे हमें कोई बहुत देर से बैक पेन चल रही है या हमने मसल्स को ओवर यूज़ किया है, उस ओवर यूज़ की वजह से वहाँ पे सोरनेस होती है। सोरनेस की वजह से, ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से मसल पेन शुरू होता है। उस मसल पेन को ठीक करने के लिए हम हीटिंग यूज़ करते हैं। मान लीजिए कोई स्टिफनेस आपको है या बैक पेन है, आपने एक दिन पहले कोई ज़्यादा काम कर लिया और सुबह उठने पे आपको बैक पेन है, तब हम इसमें हीटिंग यूज़ करेंगे। ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करेंगे ताकि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मसल तक पहुँचें और मसल में से पेन को हम कम कर सकें। जैसे हम आइसिंग और हीटिंग में कन्फ्यूज़ होते हैं, वैसे ही हम ये भी कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम आइसिंग करें तो हम किस तरह से करें, या हम आइस क्यूब्स लें या हम कोल्ड वाटर यूज़ करें। तो आइस पैक आते हैं जो इजी टू यूज़ हैं और बड़े क्विकली आप यूज़ कर सकते हो। फ्रीज़र से डायरेक्ट निकाल लें, इसको एक पाउच में डालें और अपने इंजर्ड पार्ट पे या इंजर्ड टिश्यू पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। हीटिंग यूज़ करते टाइम हमें दो तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो इंजर्ड टिश्यू पे ब्लीडिंग ना हो रही हो, और दूसरा इम्पेयर्ड सेंसेशन ना हो। बहुत सारे केसेस में ओवर हीटिंग की वजह से बर्न के चांसेस बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। हमारे पास ऐसे काफ़ी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जो कंट्रोल्ड हीटिंग प्रोवाइड करते हैं, जिनमें हीटिंग पैड में इनबिल्ट मोड होते हैं स्लो, मीडियम, हाई के, और ये अगर आप यूज़ करते हैं तो आप ओवर हीटिंग से या बर्न के केसेस से बच सकते हैं। इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को मैं नटशेल में फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। एक्यूट इंजरी को हम 48 आवर्स तक फ्रेश इंजरी मानते हैं और हम उसमें आइसिंग यूज़ करते हैं। आफ्टर 3 डेज़ हम उसको क्रॉनिक कैटेगरी में रखते हैं, तब हम हीटिंग यूज़ करते हैं। आइसिंग और हीटिंग को लेकर अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेरी है या आप मुझसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है।